हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी डिश जो ना तो लौकी से बनी है ना तो तुरई से बनी है। यह है राजस्थान की मशहूर काचरे की सब्जी। कुछ स्टेट्स में इसको काचरा कहा जाता है, कहीं पर कचरिया कहा जाता है और कहीं पर सेंध कहा जाता है। तो हम इसे सेंध कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे काचरे की या फिर सेंध की सब्जी। उसे अच्छे से छील कर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। ये आपके पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारती है, ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। अगर किसी का जी मिचलाता है तो ये उसे भी सही करती है, या फिर किसी को इंडाइजेशन होता है तो ये उसे भी सुधारती है। हम लेंगे दो मीडियम साइज़ के प्याज और उन्हें छीलकर अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद रफली चॉप कर लेंगे। हमें चाहिए होगा एक स्मूथ पेस्ट, इसलिए हम मिक्सी का यूज़ करेंगे। प्याज के साथ साथ ही हमें डाल देनी है 7-8 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा पानी, और फिर हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। प्याज और लहसुन बहुत जल्दी पिस जाते हैं, इसलिए हम केवल 1 से 2 बार ही मिक्सी को घुमाएंगे और हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर और 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। मसालों को हम इस पेस्ट के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एक पैन गरम करेंगे और लगभग 20 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। जब ये दोनों चीज़ें चटक जाएं उसके बाद हम डालेंगे मसाला और उसको अच्छे से भून लेंगे। हम मसाले को बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे और साथ में ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 3-4 मिनट में ही मसाला अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद हम इसमें कचरिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को पानी के साथ एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी कचरी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये सब्जी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और यूपी में बड़े शौक से खाई जाती है। ये खाने में थोड़ी खट्टी और चटपटी होती है। आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हैव अ नाइस डे।